हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिज़म बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर कौन सी विश या विशेस पूरी होने वाली है। इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेंगे, तो आज हम वही टैरो प्रिडिक्शन करने वाले हैं। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है और हम देख लेंगे कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी कौन सी विशेष सच्चाई में हो जाएगी, कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी या कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आज 2 ऑप्शंस हैं गाइज। सो ग्रुप 1 के लिए अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको केयरिंग कनेक्शन कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ईन यांग कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड। मैं आपको एक बार सामने से शो कर रही हूँ ताकि आप आराम से चूज़ कर सकें। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम देखने वाले हैं, तो पूरी तरीके से टाइमलेस है गाइस। और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है, ओके। आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए इंस्टाग्राम की फैमिली बनने के लिए। मुझे मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल अकाउंट को जरूर फॉलो करें गाइस। आपको इंस्टाग्राम में भी डेली फ्री रीडिंग्स कंटेंट, लाइव रीडिंग्स भी मैं वहाँ पर करती हूँ, तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने केयरिंग कनेक्शंस को चूज किया है तो देख लेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी कौन से विशेस पूरे होंगे, कौन से गुड न्यूज आपको मिलेंगे। तो ये पूरी तरीके से टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम ये टैरो प्रिडिक्शन करने वाले हैं। और एक जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए है, तो आप सब देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर मैं डेली रीडिंग्स, लाइव रीडिंग, फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, तो ज़रूर जुड़ जाइए, ओके, अगर आप इंस्टा यूज़र है तो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, तो आप चाहें तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ, मैं इसे बाद में आप लोगों के लिए रीड करूँगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए। ओके लेट्स सी। ओके, हमारे पास है एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वाओ, द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, वाओ गाइस, ओके, वी हैव जजमेंट, ओ माई गुडनेस, कैन यू सी दिस गाइज, बैक टू बैक मेजर अरकाना एंड नाइन ऑफ वंड्स। ओके, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी कौन सी विश पूरी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर साइंस कौन कौन से हैं, यानी कि राशियाँ कौन कौन सी मौजूद है, ठीक है। हालांकि ये सारे साइंस की हैं, बट अगेन आप लोगों को साइंस जानना होता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशेस, यहाँ पर है एयर साइन में से जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर अर्थ साइन में से है वी हैव टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव एयर साइन एज वेल जेमिनी एक्वेरियस, ओके। तो ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइस, ओके। और फायर साइन में से यहाँ पर हमारे पास लियो है, सजिटेरियस है, तो ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। तो आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर कौन सी विश पूरी होगी ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई एक मेजर विश, कोई भी एक मेजर विश, ठीक है। अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक बड़ा विश आपकी, ठीक है, जब हो सकता है वो लव लाइफ से हो, करियर रिलेटेड हो या किसी और बात से हो, कोई एक मेजर विश जिसके लिए हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए हो सकता है आप दिन रात प्रे करते हो, जिसके लिए हो सकता है आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, आपने वेट कर रखा है और आप बस चाहते हो कि भगवान आपको वो चीज़ अब दिला दे, अब बहुत हो गया, ठीक है, या फिर अब आप जो है ना वेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी कोई एक विश है आपकी, ठीक है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो सकता है किसी डिसाइड कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, काउंसिलिंग में जो है ना सक्सीड करना चाहते हो, सीट चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में जॉब चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर जगह में स्कॉलरशिप चाहते हो, या
कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी आपकी विश है, कोई एक ऐसी बहुत बड़ी विश है जिसका जो है ना आप कॉल आने वाला, यानी कि वो विश अब सही में आपको मिलने वाली है। आपका पेशेंस जो है टेस्ट कर लिया गया है, यूनिवर्स जो है आपसे इम्प्रेस हो चुकी है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो एक बड़ी विश आपकी पूरी होगी, जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, मन्नतें हो सकते हैं मांगते हो। तो एक मेजर विश आपकी यहाँ पर पूरी होगी, अभी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये एक मेजर विश आपकी पूरी होगी। दूसरे में मैं बता दूँ बहुत लोगों के लिए, अगर आप लव लाइफ में कुछ चाह रहे थे, आपकी विश है लव लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पूरी हो सकती है, ठीक है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, अगर आपको सही प्रपोजल नहीं मिल रहा था आपको मिल सकता है, ठीक है। आपकी इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, आपके लवर के साथ आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, फिर आपके जो लवर हैं वो आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी वगैरह के लिए, ठीक है। आपको सरप्राइज दे सकते हैं बहुत लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, या फिर आप एक जेन्युइन ट्रू लवर से मिल जाओ, ठीक है, जिनके साथ आगे आने वाले वक्त पर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, बहुत लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। एक यूनियन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सो लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी विश है तो यहाँ पर गारंटीड तरीके से पूरी होगी, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो, एक सही इंसान से करना चाहते हो, उस इंसान की अराइवल नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर होगी, तो आपकी शादी फिक्स, निकाह, इंगेजमेंट या शादी हो जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। या फिर किसी अगर रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में आपको एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, कि येस ही और शी इज़ द वन, इन्हीं के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारना है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आपके मन में मुझे दिख रहा है कि कुछ डर, रिजर्व्ड एनर्जी, नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ्स में दूर होंगे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जिस चीज़ से हो सकता है विश तो कर रहे हो बट मन में डर है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्या हुआ अगर फेल हो गए तो, क्या होगा अगर नहीं कर पाए, तो जो भी डर है ना वो डर हटने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और फाइनली आपको ऐसा नज़र आएगा कि भगवान आपके सपोर्ट में है, भगवान आपके साथ है, और भगवान आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि द वेट इज़ ओवर, और जो मेजर विशेज हैं वो आपके यहाँ पर पूरी होगी। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड विशेज हैं तो वो 110% का इस गारंटीड तरीके से वो लव लाइफ से रिलेटेड विश आपकी पूरी होगी। अगर आप किसी के साथ रियूनियन चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि पास्ट का इंसान कोई लौटे, कोई इंसान आपको कमिट करे, चाहे वो अनकन्फेस्ड लव हो, कोई क्रश हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें आप पसंद करते हो बट चाहते हो कि सामने वाले सामने से आकर वो इंसान आपको अप्रोच करे, तो वो करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपके एक्स लौट कर आए, आपके हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ आप अभी अलग हो चुके हो वो लौट कर आए, तो वो इंसान आएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अच्छे कनेक्शन में हो, तो चांसेस हैं कि आप कंसीव भी करें, यानी कि प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हो, चाहते हो, ठीक है, कि आप कंसीव करें, एक फैमिली क्रिएट करें, तो डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आपके फैमिली इशूज कुछ चल रहे हैं, ठीक है, लाइक फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इन लॉज का सपोर्ट नहीं है, फैमिली वालों में से कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उस एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा। फैमिली वाले आपको समझेंगे, फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे बनने के चांसेस हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हो, अगर आपकी कोई विश है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कि मुझे कुछ बनना है, ठीक है, स्पिरिचुअल फील्ड में मुझे एक्सप्लोर करना है, या मुझे प्रोफेशनली इस करियर में सक्सेस चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप ग्रोथ करें, ठीक है, उसमें आप जो एक पहचान बनाएं, तो वो चांसेस हैं कि आपको धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होगा विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो बहुत ही अमेजिंग ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए रहने वाला है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेजर विशेज आपकी पूरी होंगी, मेजर से मेजर, ठीक है। और चाहे वो करियर हो या लव हो, ठीक है, और अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो वो तो बिल्कुल होकी ही रहेगी, ठीक है, कोई उस विश को नहीं रोक सकता, कोई इस मैनिफेस्टेशन को नहीं रोक सकता, और उसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही बहुत जल्द मिल जाएंगे। और आपने कार्ड भी चूज किया है केयरिंग कनेक्शंस, ओके, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि फाइनली जो रिकॉग्निशन आपको चाहिए, जो वैल्यू आपको लोगों से चाहिए, अपने सर्कल से चाहिए, ठीक है, अपने फैमिली से चाहिए, वो रिकग्निशन, वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लव इज़ एंटरिंग, ठीक है, सपोर्ट इज एंटरिंग, ओके, इंपॉर्टेंस इज एंटरिंग, अबंडेंस एंटरिंग इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे, बहुत ज़्यादा लव्ड फील करोगे, एंड फाइनली यू विल फील लाइक कि ओके, मैं जिसे चाहती थी, मैं जैसे चाहता था, मैं जैसा इंसान चाहती थी चाहता था,
दे आर विथ मी नाउ, ठीक है, वो हमारे ज़िंदगी में अब आ चुके हैं, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या सैड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अकेलापन दूर होगा आपका. एंड ऑल्सो अगर लाइफ में यू नो आपके आपके करियर में आपके स्किल्स को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था, ठीक है, जो प्लेसमेंट्स आपको चाहिए थे नहीं मिल रहे थे, जॉब वगैरह नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे कि कम टू मी, मेरे कंपनी में आओ या मेरे साथ काम करो, ठीक है, या फिर अगर आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अब आपको पहचाना जाएगा आपके काम के लिए, ठीक है, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में. तो ये बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए रहने वाला है गाइस. जो नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 5, 10, 11, 9, 1, 19, 8, 7. ओके, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए लकी हो सकते हैं, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या फिर ये कोई नंबर किसी का बर्थ डेट आपके पर्सन का हो सकता है, या कुछ नंबर्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में ये नंबर्स जरूर रखते हैं. ओके, सो चलिए, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप वन. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस इन यंग कार्ड को चूज किया है और आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर कौन सी मेजर विशेष पूरी होंगी, क्या गुड न्यूज़ मिलेगा आपको. ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा. एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और इंस्टाग्राम की फैमिली के साथ भी जरूर जुड़ जाइए. अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर है तो मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर मैं डेली रीडिंग्स करती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ एंड फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ. तो आप चाहें तो जरूर जुड़ सकते हैं गाइस. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, चैनल को ग्रो करने में मदद करें, सपोर्ट करें. ओके, बिकॉज आप सब मेरी फैमिली हैं. ओके, और आप सबके प्यार के बिना, आप सबके सपोर्ट के बिना तो आई एम नथिंग, इजंट इट. सो गाइस प्लीज प्यार करें, सपोर्ट दें. ओके, और शेयर करें जितना हो सके, जिनको जरूरत है उनको भी शेयर करें. ओके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ, इस कार्ड को मैं बाद में रीड करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप जो है प्लीज पॉजिटिव रहिए. सो लेट्स सी. हमारे पास है द लवर्स. वाओ गाइस, मैं आज की रीडिंग करते करते मैं खुद रोमांटिक हो रही हूँ अभी. ओके, बिकॉज ग्रुप 1 की भी रीडिंग बहुत अमेजिंग थी. ओके, और मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों में से आप लोगों ने ग्रुप 1 भी चेक किया है एंड आप ग्रुप 2 भी चेक कर रहे हो. ओके, सो बहुत ही लव इज़ इन द एयर वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आ रही है. 2 of Pentacles, Knight of Cups, The World. Okay, and bottom of the deck we have 2 of Swords. Wow, wow, wow. Queen of Pentacles, 2 of Cups, 7 of Wands, 7 of Cups. Okay. So guys, ये reading जो है सारे science वालों के लिए है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर साइंस राशियाँ बता देती हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं. ओके, सो यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लीब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. सारे साइंस यहाँ पर है. जो बहुत हेविली है वो है जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, पाइसिस, लियो, सजिटेरियस. ओके, ये कुछ साइंस बहुत हेविली है. तो आपकी कौन सी मेजर विशेष यहाँ पर पूरी होने वाली नेक्स्ट 2 मंथ्स में गाइज? मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स अब चाहते हैं कि लाइफ में अब सबको सच्चा प्यार मिले, कोई सिंगल ना रहे और कोई गलत रिलेशनशिप में ना जाए. बिकॉज मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि सबसे पहली चीज़ आपके लव लाइफ से रिलेटेड विश पूरी होने वाली है. ओके, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, आपको लाइफ में चॉइसेस चाहिए, आपको चाहिए कि जेन्युइन लोग जो आपके सेम पेज पर हो, ठीक है, या फिर आपसे हायर लेवल में हो, वो आप लाइफ में अट्रैक्ट करो, जेन्युइन लोगों को अट्रैक्ट करो, जेन्युइन लोग आपके लाइफ में आए. अगर आप बहुत यू नो सिंगल हो, कोई भी नहीं है लाइफ में जिनके साथ आप रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके, ठीक है, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो सके इमोशनली रोमांटिकली, तो फाइनली द वेट इज़ ओवर. नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि नए लोग और पास्ट के लोग भी
मुझे लग रहा है कि आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है। और आपको लव लाइफ में चॉइसेस मिलेंगे, जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिलो नेक्स्ट टू मंथ्स में किसी न किसी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जीज आ रही है। सो अगर आपके लक में, आपके डेस्टिनी में एक ऐसा मोड है जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मीटिंग डिवाइन टाइमिंग में होगी, आपके ट्विन फ्लेम से, आपके सोलमेट से आपकी मीटिंग एक डिवाइन टाइमिंग में होगी, तो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है गाइज, और विद इन नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी और आपकी मुलाकात उस इंसान से होगी, ठीक है। सिर्फ एक से नहीं, मुझे लग रहा है कि एक इंसान तो डेफिनेटली कोई मेजर होने वाला है जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बनेगी ही बनेगी, और बाकी आपको चॉइसिस भी मिलेंगे लव लाइफ में, तो आपका ऐसा फील नहीं होगा कि आप सिंगल हो, ठीक है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप एकदम अकेले हो, बोर्डम में जी रहे हो, ठीक है, कोई प्रपोजल्स नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई लोग नहीं, नो फ्रेंडशिप्स, नो रिलेशनशिप एट ऑल, तो ये कमी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऑल्सो अगर किसी के साथ आप सेपरेटेड हो और आप चाहते हो कि वो इंसान एटलीस्ट आपके पास वापस आए, तो वो भी आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस, चॉइसेस आपके पास डेफिनेटली रहेंगे, और लव आपकी जिंदगी में आ रहा है नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर, एक ऐसा प्यार जिसके तलाश में आप हो, एक ऐसा प्यार जो आपको बैलेंस देगा, एक ऐसा प्यार जो आप बेसिकली चाहते हो कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला चाहिए, ऐसा मुझे मोहब्बत चाहिए, तो वो वाला प्यार जो है आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर। एक नई जिंदगी आपके नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर शुरू हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रिलोकेट करो, शिफ्ट करो, आप फॉरेन सेटल कर सकते हैं अगर आप चाहते हो सेटल करना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर आपका एडमिशन हो जाए, तो कुछ नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। कोई नए शहर में, कुछ नए कंट्री में, या कोई नए स्टेट में आप हो सकता है कि अपना लाइफ शुरू कर दोगे, ठीक है, और जैसी जिंदगी आप जीना चाह रहे थे वैसा आप जी पाओगे। तो कुछ नई बिगनिंग है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि करियर से रिलेटेड भी आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो लाइफ में जो इम्बैलेंस एनर्जी थी ना, जहाँ पे आप बहुत हसल किए जा रहे थे, कुछ बैलेंस नहीं, लव लाइफ बेकार, करियर बेकार, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें इरेडिकेट होगी, ये सारी एनर्जीज इरेडिकेट होगी, क्योंकि यूनिवर्स आप चाहती हैं कि आप हर एक चीज़ का अच्छे से मजा लें, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करें, और जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले। अब आपको तड़पना नहीं पड़ेगा, आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है और आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई विश है, ठीक है, कि आपके फाइनेंसिस ग्रो हो, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हट जाए, ठीक है, पैसे की कमी ना हो, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है कि काश कोई बिजनेस स्टार्ट करते, या कोई बिजनेस कर रखा है, चाहते हो कि उसमें अचानक से ग्रोथ आ जाए, ठीक है, अच्छा चलने लगे, नेक्स्ट टू मंथ में आपको वो डेवलपमेंट देखने को नजर आएगा, ठीक है। फाइनेंसेस आपके गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली आपके होंगे, ठीक है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, मतलब चाहते हो कि यू नो कमाई अच्छे से होने लगे, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर होगी, ओके। और मुझे लग रहा है जेन्युइन लोग आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जेन्युइन कंपनीज, जेन्युइन कोलैबोरेशन ऑफर, जेन्युइन लवर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली अब जो है ना आपको एक चैन की सांस मिलेगी, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि डिवाइन प्रेजेंस होने वाली है, और अब डेस्टिनी जो है ना चार्ज ले रही है आपकी जिंदगी में। लेट मी टेल यू दिस थिंग, अब डेस्टिनी आपकी जिंदगी में चार्ज ले रही है, जहां पर जितना आपने अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग लाइफ को चलाना था आपने चला लिया है, अब डिवाइन चाहती है कि हम जैसा चाहें वैसे आप चलो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आपके होंगे, ऐसे फेटेड इवेंट्स आपके लाइफ में नेक्स्ट टू मंथ्स में होने वाले हैं जिसको होना है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है रातों रात बदल भी सकती है, ठीक है। रातों रात आपकी लाइफ में लव आ जाएगा, रातों रात आपके पैसे अचानक से गेन होने लगेंगे, रातों रात हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए, ऑफर मिल जाए, ठीक है, रातों रात आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। डेस्टिनी जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से आपकी लाइफ में मूवमेंट्स आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स भी हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटीज, इम्बैलेंस एनर्जी सब कुछ हट रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, और आप अपने डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, मिलोगे मुझे लग रहा है फ्यूचर स्पाउस से, या फिर आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो सोलमेट हैं, जो आपके लिए बने हैं, उनके साथ मुलाकात होने की आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर अंदर, चाहे वो कोई पास्ट का हो, ब्रांड न्यू हो, और न्यू ऑप्शंस भी आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वक्त मिलेगा, ठीक है, आप कन्फ्यूजन से दूर हो जाओगे कि मतलब कोई है ही नहीं, अच्छा है भी तो क्या। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ से कन्फ्यूजन हटेंगे, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, जिंदगी में क्या करना है, करियर को कैसे देखना है, अपना पर्सपेक्टिव कैसा रखना है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा बैलेंस आएगा, और पार्टनरशिप यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है, मैरिज फिक्स होने के भी यहाँ चांसेस हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, तो जो नेगेटिविटीज है ना, या किसी की यू नो होती ना एविल आई, वो सब यहाँ पर हटने वाली है आपके लाइफ से, ठीक है। को आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पर आपने चूज भी किया है इन यांग को, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी भी एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, जिस तरीके से आप लाइफ को प्रोसीड करना चाहते हो वो यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका कोई लाइफ पार्टनर, ठीक है, जो आपके लिए बना हो, ठीक है,
वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर। हो सकता है आपको रियलाइज भी ना हो, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप उनसे मिलोगे और बाद में जाके यू नो आप रियलाइज करोगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, एक बैलेंस मुझे नजर आ रहा है, जहां पर आप अपने वीकनेस पे भी वर्क करोगे, जहां पर आप अपने अच्छाइयों पे भी ध्यान दोगे, जहां पर आप अपने फेमिनिन साइड को भी ध्यान दोगे और मैस्कुलिन साइड को भी, और एकदम बैलेंस तरीके से आपकी लाइफ चलेगी, जहां पर करियर में भी चीजें ठीक हो रही हैं, लव लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है, लाइफ में भी खुश हो, सेल्फ केयर सेल्फ लव भी कर पा रहे हो, खुद को पीस भी मिल रहा है। तो एक अच्छी जिंदगी अब आप जीने वाले हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल में आप जीने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कुछ वरीज कुछ टेंशन डेफिनेटली आपकी यहाँ से इरेडिकेट होंगी। ओके गाइज, सो अमेजिंग रीडिंग थी। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।